आने वाले कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिला वोटर्स को साधने के लिए हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत की। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया और इसके लिए फॉर्म भी भर ली गई है। अब इसका तोड़ निकाला है कांग्रेस पीसीसी चीफ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। कमलनाथ ने इस योजना को टक्कर देने के लिए नारी सम्मान योजना लेकर आए, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं सिलेंडर की कीमत भी केवल 500 रुपए होगी। कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि नारी सम्मान योजना को 9 मई से लागू किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर और हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। कमलनाथ ने आगे कहा कि उनके कार्यकर्ता जगह जगह जाकर फॉर्म भरवाएंगे। कमलनाथ का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो उनके पास ये फॉर्म दर्ज रहेंगे। कांग्रेस इस योजना को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 मई को छिंदवाड़ा जिले से इस योजना को लॉन्च करेंगे, जिसके साथ ही महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। कमलनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति और नारी समृद्धि के लिए हमेशा मजबूत कदम उठाए हैं। हमने प्रदेश की बेटियों को हमेशा हक दिलाया है। ये 18 साल से शिवराज सिंह जी ने बहनों के बारे में नहीं सोचा, चुनाव आए तो एक प्रलोभन देने के लिए आ गए। तो महंगाई 500 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 400 रुपए का, आज 1,100 रुपए का सिलेंडर है। तो एक तरफ आप 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ महंगाई की चपट लग रही है। तो सर उसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप देने का कह रहे हैं कि आप देंगे और सरकार तो दे रही है, अभी 10 जून को पहली पेमेंट। ये देखेंगे कितने को मिलता है, कितने इससे वंचित रहते हैं। 500 रुपए का सिलेंडर और 1,500 रुपए अपने बहनों के लिए। अधिक से अधिक हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बहनों को ये पैसा मिले। तो उसके लिए क्या, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा? हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हम 9 तारीख को इसको लॉन्च कर रहे हैं। 9 तारीख को ये 500 रुपए सिलेंडर और 1,500 रुपए बहनों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, और फॉर्म भरे जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाके फॉर्म भरवाएंगे, और जब हमारी सरकार बनेगी, जिसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास ये फॉर्म दर्ज होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 23 से 60 साल की विवाहित महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कमलनाथ का कहना है कि उनकी नारी सम्मान योजना में किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होगी। सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ एक समान मिलेगा। बीजेपी की योजना का लाभ अगले महीने यानी 10 जून से मिलने लगेगा, जबकि कांग्रेस की योजना नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर तय होगी।